नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। झारखंड के अलग अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों ने अपनी व्यथा सुनाई है इस लॉकडाउन में। सरकार तो कह रही है कि हम मदद कर रहे हैं और मदद पहुंच भी रही है, लेकिन जो मदद की प्रक्रिया है और जो तेजी है, जो सुस्ती है, वो उसमें वृद्धि होनी चाहिए और तात्कालिक तौर पे जितना ज्यादा से ज्यादा मदद हो वो पहुंचना चाहिए। कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में 3 लाख से ऊपर जो मजदूर हैं उन तक मदद पहुंचाई गई है। देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट को। और आज एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर पलायन को रोकने के लिए पहले ही नीतियां बनाई गई होती, सरकारी योजनाओं को सही तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त करके अगर मजदूरों को यही रोजगार की व्यवस्था सरकारें कर चुकी होती, तो आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, अगर अपने राज्यों में इतने रोजगार के अवसर पैदा किए गए होते तो आज मजदूरों को इस तरह की दिन जो है वो देखने को नहीं पड़ते। तो आइए देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट को। हम भाई झारखंड का रहने वाला हूँ, दिग्घी का, और हम मजदूर आदमी है। यहाँ भिमंडी आया हूँ कमाने के लिए। यहाँ काम धंधा बंद हो गया है और डेढ़ भी पैसा वैसा दे रहा है, थोड़ा बहुत जो भी है, मगर पूरा नहीं हो रहा है। और हम लोग यहाँ लगभग 16-17 आदमी रूम में फंसे हुए हैं। बाहर भी कोई सामान नहीं मिलता है, पुलिस वुलिस का डर से हम लोग नहीं निकलता है, और बहुत मुसीबत में फंसे हुए हैं। कोई आप लोग जो है हम लोग का मदद करे। झारखंड का रहने वाला हूँ और देख रहा कि कैसा यहाँ भिमंडी का हालात है। आप लोग तो सब टीवी पे या मोबाइल वगैरह देखते होगा। हम लोग बहुत परेशान होकर बैठे हैं और कोई चाहने का भी व्यवस्था नहीं है झारखंड, इसलिए कि झारखंड का हम लोग रहने वाला है। और सबसे मुश्किल है कि कहीं बाहर नहीं निकलते हैं तो खाने का मुश्किल है, खाने पीने की इतना तकलीफ है कि हम लोग बहुत अफसोस में, हालत यहाँ ख़राब है। इसलिए कि कोई गुंजाइश करे, ये झारखंड का हम लोग मजदूर आदमी है और भाई हम लोग पे मदद करें। झारखंड सरकार से अपील करें, झारखंड का सरकार से अपील करें, और ये वीडियो को जो भी देखेगा आगे बढ़ाते रहिए। बस इतने बात देख रहा है कि कैसा हालात में सब बैठे हैं, बहुत तकलीफ में है, इसलिए वीडियो को फैलाते रहिएगा, आप लोग देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। झारखंड भाइयों से कहना ये है, हम लोग झारखंड के रहने वाले गोड्डा ज़िला के हैं। हम लोग जितने भी मजदूर हैं यहाँ पे, 100-200 मजदूर यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं, और दीपिका पांडे से यही कहना है कि हम लोग के लिए कुछ रास्ता निकालें जो कि हम लोग वापस गाँव जा सके। हम चेन्नई में, हम लोग कानातूर मार्केट में हम लोग फंसे हुए हैं, और जो है यही कहना है कि हम लोग को खाने का कोई भी सुविधा नहीं है, रहने का प्रॉब्लम हो रहा है, और जो है हम लोग को बहुत कष्ट और बहुत ही तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग अपने झारखंड सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के लिए जल्द से जल्द बिल्कुल कुछ उपाय निकालें जिसमें कि हम लोग यहाँ से अपने गांव जा सकें। बहुत ही तकलीफ, बहुत ही कष्ट हो रहा है। हमारा गाँव दुगाछी पोस्ट अमडाण, थाना ठाकुरगंगटी, जिला गोड्डा मेहरमा हम लोग का गांव हुआ। जितने भी हम लोग सब एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही जिला के रहने वाले हैं, एक ही पंचायत के रहने वाले हैं। हम लोग को ही बहुत ही कष्ट और बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही परेशानी हो रहा है। 10 दिन हो चुका है हम लोग को, करीब 10-15 दिन हो गया है हम लोग को, यानी कुछ खाने के नहीं मिल रहा। कोई भूख से कोई बीमार हो रहा है, कोई भूख से, कोई बिल्कुल ही बहुत ही कष्ट, पूरा शरीर बॉडी पूरा सुलझ गया है, और बहुत खाने के लिए राशन नहीं है खाने के लिए। हम लोग को यानी हर तरफ से ही परेशानी। कुछ यहाँ के भी लोग हम लोग को परेशानी कर रहे हैं, गली में कुचड़ में किधर भी जाते हैं तो हम लोग को भाषा समझ में नहीं आता है, और जो है गली में जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम, यानी अभी जो ऐसा मामला हालात जो चल रहा है, यानी कर्फ्यू जो लगा हुआ है, इसके मामले में हम लोग गली में जा रहे हैं तो हम लोग को अचानक हम लोगों के बीच में कोरोना वायरस का शिकायत आया और कार्यरत में ही लॉकडाउन हो गया। हम लोग घर जाने नहीं पाए और यहाँ पर अभी कॉलोनी कंपाउंड में ही है, तो हम लोग यहाँ से असुरक्षित लग रहा है हम लोग को रहने में। कई कॉलोनी में 4-5 हज़ार लोग रहते हैं और नहाने बाथरूम करने के लिए मिश्रित है, सब उसी में यूज करते हैं, और कॉलोनी से बाहर जाके भी आदमी अंदर आता है और उसका कोई ट्रीटमेंट चेकअप कुछ नहीं होता है। इस
इसलिए हम लोग को असुरक्षित लग रहा है और यहाँ से हम लोग निकलना चाहते हैं। तो श्रीमान से हमारा आग्रह है कि हमें शीघ्र यहाँ से अपना घर तक पहुँचा दें। हमको कल्याण गुरुकुल से ट्रेनिंग करा करके सापुंजी पालनजी कंपनी में काम के लिए प्रगति मैदान दिल्ली पे भेजा गया था और वह कार्य करते करते ही अचानक कोरोना वायरस की महामारी से लॉकडाउन हो गया। हम लोग वहाँ से घर वापस नहीं आ पाए, यहाँ दिल्ली में ही फंसे हुए हैं। वो लेबर कैंप में है सभी लोग। ये लेबर कैंप में लगभग 4,000-5,000 लेबर का भीड़ है। उसी में से हम लोग झारखंड से 70 से 80 आदमी फंसे हुए हैं। हम लोग घर जाना चाहते हैं पर यहाँ जाने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ खाने पीने के लिए भी थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन खाने पीने के से भी ज्यादा चिंता हमको घर जाने को है। इतना ठीकदार जवाब दे दिया, अगर ऐसा बोलिए हमारे लिए कोई व्यवस्था न होगा तो फिर हम लोग बीमारी से ज्यादा तो इसे भूखे तो मर ही रहे हैं प्लस और यहाँ नहाने धोने का भी जो भी है व्यवस्था एक। देखिए हम लोग केरल में 40 से 50 मजदूर लॉकडाउन में फंसे हैं। इस वक्त हम लोग के पास खाने और पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से और मिथिलेश ठाकुर जो गढ़वा का विधायक हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि हमें जल्द से जल्द झारखंड और गढ़वा ज़िला जाने का व्यवस्था किया जाए। यहाँ का एड्रेस है केरल जिला कनूर थाना मैल पंचायत कोलचेरी। और बाकी थोड़ा इधर से भी जान लीजिए कि इन लोग का क्या क्या समस्या है। चाचा जी आप बताइए कि क्या आपका समस्या है इधर का। आप कंपनी में काम करते हैं? हाँ देहात में काम करते हैं, लोकल काम करते हैं यहाँ। कोई ठेकेदार तैयार नहीं यहाँ है, क्या करें, दिक्कत है, मुश्किल है। खिला पिला खिला पीना मर रहे हैं। और खाने पीने की खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं, नहाने पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं है, क्या करा जाए। मतलब फंसे हुए हैं, घर जाने के लिए कोई सी झारखंड पहुँच जाने के लिए। यहाँ है आदमी का ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ है आदमी का। रोड पर ऐसे आदमी थोड़ा थोड़ा के मर रहा है आदमी। मतलब हमारा झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मेरा आग्रह है कि हम लोग का जल्द से जल्द हमारा झारखंड अपना गांव जाने का कोई व्यवस्था करें। और बोलिए कुछ आप लोग। हमारा हेमंत सोरेन जी से आग्रह है हम लोग का घर तक कैसे व्यवस्था किया जाए। हाँ देखो भाई, हम लोग है जिला जामतड़ा का रहने वाला झारखंड का। मेरा घर है ग्राम अलगचुआ पोस्ट शीतलपुर थाना कर्माटांड। सभी को मालूम है जो थाना कर्माटांड। तो हम लोग यहाँ देऊ रोड में पुणे महाराष्ट्र में जगदम्मा पैप फैक्ट्री में 50 लोगों हम लोग फंसे हैं। तो 22 तारीख से हम लोग को ये पूरा कोरोना वायरस से हम लोग मजबूर हैं कि कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और मोदी जी प्रधानमंत्री बोल रहा है घर से बाहर ना निकलें, और हमारे पैप फैक्ट्री भी बंद हो गया। तो हाँ पुलिस भी बोल रहा है, देखो भाई पब्लिक लोग को समझा रहे हैं निकाब लगा के निकलो बाहर। तो हम लोग वो भी से मजबूरी है, तो क्या करेंगे, पैप फैक्ट्री भी बंद हो गया है। आखिर दूसरी बात में पैसा कहाँ से आएंगे, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, और घर पर फिर कैसे हमारे जो है घर में कैसे खाएंगे जिएंगे। और वो भी मतलब हम यही गुजारिश करना चाहते हैं मोदी जी से कम 2 दिन के लिए ट्रेन हम लोग का खोल दीजिए, हम लोग गांव चला जाएंगे। उसका बाद 6 महीना तक बंद हो जाएगा, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हेमंत सोरेन से गुजारिश है और इरफान भाई से हम नमस्कार बोलते हैं जे हम लोग को कोई व्यवस्था दीजिए, खाने के व्यवस्था दीजिए या गाँव जाने के लिए व्यवस्था दीजिए। हम लोग उससे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये आवाज़ जहाँ तक मेरा
पहुंच रहे हैं वहां तक हमारे आवाज़ को शेयर कर दीजिए, या तो प्रधानमंत्री, या तो इरफान जी, या तो हेमंत सोरेन, मेरा नाम कलाम अंसारी है, इसको ये आवाज़ तक जहां फैला दूँ। हम लोग वही रहने वाले जो एक बार बता दिए हैं, और वो पैंप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जगदम्मा पैंप फैक्ट्री, देव रोड पूना जैक्सन देव रोड। क्या बताएंगे, खाना देखो हम लोग का कैसा खाना खा रहे हैं, ये दिख रहा है खाना। और सब्जी क्या है पता है, ओनियन का भुजिया, नमक डाल के खाना खा रहे हैं भुजिया के साथ, ओनियन का भुजिया। छोटा बच्चा है, 1 महीने का आज हुआ है, और ये नमक खाना, ओनियन का भुजिया। ये मेरा लड़का है, ये मेरी बड़ी लड़की है, और ये मेरा खाना। हम लोग गोवा मड़गांव में फंसे हुए हैं, हम लोग को झारखंड सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को जल्द से जल्द कुछ करे। कुछ भी सब्जी नहीं है, केवल चावल है थोड़ा बहुत, वो भी और 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, क्या रूम भाड़ा देंगे, क्या खाना खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए झारखंड सरकार से हम लोग निवेदन है कि हम लोग को कुछ उपाय करें, इस कष्ट से बाहर निकालें। धन्यवाद।